जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेंज बनी डिवीजन बिसोली ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रैकिंग इवेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीएफओ बिसोली अंडर ओवरसाइट ऑफ आरओ बनी अ ट्रैकिंग रूट एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम तरनाली टू सरथल वाया लुआंग in which more than 50 students of government higher secondary school Luang along with staff members participated. During the long trekking, trekkers were aware by the staff members of forest range Bani about the significance of forest in our daily lives. Protection of forests, plantation drive and reducing air pollution were the main concepts. Aro Bani wish people to be fit. You must walk in the forest to enjoy the beauty of nature closely. ट्रैकर्स जो आज आपको हमने ट्रैकिंग के लिए लाया है यहाँ पर, ट्रैक रूट पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं जो हमने एस्टैब्लिश किया है इस साल, जिसका नाम तरनाली टू सरथल वाया लुआंग है। उस बारे में हम आपको थोड़ा सा तफसीलन बताते चले कि ये हमारे पास थोड़ा सा फेस है इस ट्रैक रूट का, कि हमारे पास फ्लोरा क्या क्या है यहाँ पर। जैसे हमारे पास यहाँ देवदार है, गायल है, स्प्रूस है, एचसी नट है, फर है, स्प्रूस जो तोस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है वो है। फौना में हमारे पास यहाँ पर लेपर्ड है, उसके बाद हमारे पास ब्लैक बियर है, मस्क डियर है, हिमालयन सिरो है, ये बहुत इंडेंजर्ड स्पीसीज है पूरे जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। हिमालयन सिरो कहीं कहीं मिली पाई जाती है, जो हमारे यहाँ पर है, हमारी खुशकिस्मती है। उसके बाद खालिज फीजेंट, जिसको हमारा स्टेट बर्ड भी डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद हिमालयन मोनाल, जिसको नील यहाँ पर बोलते हैं, परिंदा है ये एक जानवर, खालिज फीजेंट, ये चीज़ें हमारे यहाँ फ्लोरा है। इस ट्रैक रूट में नहीं बल्कि यहाँ जो सराउंडिंग जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें ये चीज़ें अमूमन पाई जाती हैं। डार्क ग्रीनिश है वो है देवदार हमारा, ठीक है। देवदार के साथ में जो ये अभी बिल्कुल येलोइश हो गए हैं पत्ते, ये है एचसी नट, हार्स जस्ट नट इसको बोलते हैं। और ये है कायल, ये जो थोड़ा सा ब्राइट ग्रीनिश जैसा आ रहा है ये यहाँ पर, ये इसको कायल इसको बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है इसका पाइनस वालिचियाना, इसमें एक पाइनस रॉक्स बरगाई होती है, वो चीड़ जो हमारे जो बनी या बनी से आगे जम्मू में या दिलावर सब्रज की तरफ से है, वो दिखाते जाएंगे आपको ना। ये कौन सा है? ये नहीं है चीर, इसको बोलते हैं कायल, लेकिन शक्ल एक जैसी है, वैल्यू में इसकी वैल्यू ज्यादा है, चीर की वैल्यू कम है। दोनों से निकलता है रेजन, जिसको हम उर्दू में बरोजा कहते हैं, जिससे प्लास्टिक जो बनती है, जो प्लास्टिक की चीजें आती हैं, इसकी भी आज जब फैक्ट्री में डालते हैं उसमें से दो चीजें निकलती हैं वहां से, एक होता है रोजिया, जो ब्रोजा निकलता है वो इसी कायल से निकलता है। हालांकि ये थोड़ा सा इससे कम निकालते हैं कि ये हाइट पे है, यहाँ से इसकी आउटपुट कम निकलती है। चीड़ जो है गर्म इलाके की पेड़ है, कायल जो है ये ठंडे इलाके का पेड़ है। लेकिन पहचान क्या है? अब पहचान जो है, जैसे इसकी नीडल है वैसे उसकी भी नीडल है। अब पहचानेंगे कैसे? जो लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वो तो जानते हैं, जो दूसरे वाले आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इनकी पहचान करनी हो तो इसके पत्त वो पांच होते हैं, एक ही नीडल जो है तीन ही होंगे, जल्दी पहचान जाओगे आप। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मतलब हम एक फॉरेस्ट को मतलब इतना अहमियत देंगे, मतलब हम खुद जानेंगे उसके बारे में, उसके बाद फिर बाहर का भी मज़ा आएगा ना, कि वहाँ के हम वहाँ पे भी जाएँ, वहाँ का भी जाने माहौल कैसा है, जंगलात सारा कुछ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि इन्होंने कि हमें यहाँ पे इन एक जंगलात में हमारा मतलब हमें एक्सप्लोर करने का मौका दिया। देखिए